थिंक माँ और भगवान बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि वहीं से आपको लाइफ मिलती है। तो जब भी माँ शब्द आता है कहीं पे भी, तो इट्स जस्ट योर हार्ट फिल्स अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। सो मदर्स डे इज कमिंग एंड होपफुली आई विल बी एबल टू मीट मॉम एंड गो एंड स्पेंड सम टाइम। मैं कहना चाहता हूँ टू ऑल द पीपल वॉचिंग दिस एंड ऑल द मदर्स वॉचिंग जूम, want to wish you a very 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 happy Mother's Day and thank you so much to all of you. Hello everyone, तो मैं हूँ हिबा नवाब और मेरी ये बहुत प्यारी सबसे खूबसूरत दुनिया में जो है वो है मेरी माँ। और आज है Mother's Day, तो happy Mother's Day माँ एंड happy Mother's Day to all the mothers out there। एंड वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यू नो हर दिन थोड़ा बहुत स्पेशल फील करा सकूँ, लेकिन आज बहुत सारा स्पेशल फील कराने वाली हूँ और आई प्रॉमिस कि ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही स्पेशल फील कराते रहूँगी, इससे भी बेटर। सो टुडे एक्चुअली मम्मा मेरा फेवरेट है, महाराजा भोग एंड वी एक्चुअली आई लव ईटिंग। मम्मा को थोड़ा मैं चीट कराने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी भी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है मेरे साथ साथ। सो वी बोथ विल चीट टुडे एंड हैव अमेजिंग फूड। ये मम्मी को यहाँ की गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। जब भी आती है तो शी इज़ लाइक कि आज तो बनी है ना गट्टे की सब्जी। सो शी लव्स गट्टे की सब्जी एंड शी लव्स दैट दही भल्ले जो होते हैं वो मम्मा को पसंद है। सी आई रिमेम्बर एवरीथिंग। अब आपको मुझे क्या पसंद है? मम्मी को पता ही नहीं है। हेबा को सारी चीज़ें पसंद है, यहाँ महाराजा भोग का पूरी थाली पसंद है। इसको हर थोड़े दिन बाद आना रहता है, यहाँ जब चीट डे होता है इनका तब यहाँ ज़रूर आती है। इतना सारा बोल के मुझे भूख लग रही है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं हम। आज मैंने हिबा ने खूब सारी मस्ती की है, खूब मज़ा आया हम दोनों को, और हमने जो लंच किया है महाराजा भोग का ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी। हिबा ने इतना बढ़िया सरप्राइज़ दिया है, वो तो मेरी बेटी जब गोद में आई है तभी मेरे लिए सरप्राइज़ थी। हर दिन मेरे लिए स्पेशल होता है इसके साथ, और माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी अल्लाह ने बेटी दी है, और हमेशा हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिले जैसी मुझे मिली। Zoom के साथ और बहुत बहुत स्पेशल हो गया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक Zoom, थैंक यू सो मच
मेरे लिए और मम्मा के लिए ये दिन बहुत स्पेशल बनाने के लिए. एंड ऑफ कोर्स स्पेशल ज़्यादा इसलिए क्योंकि मम्मी मेरे साथ है इस मदर्स डे पे. सो इज़ मोर एंड हैप्पी 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 मदर्स डे टू टेलीटॉक इंडिया एंड जूम टीवी एंड सारी मेरी प्यारी प्यारी माएँ जो वहाँ पर हैं और मेरी प्यारी माँ यहाँ पर हैं. तो उन सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ. हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू सो मच बेटा. आज मदर्स डे है और इसलिए मैं आज मेरी मम्मा को नेल स्पा लाई हूँ. तो ये उनके लिए एक सरप्राइज है. वैसे तो हर दिन मेरी मम्मा के लिए होता है पर आज मैं उनको स्पेशल फील करवाऊंगी. उन्हें बहुत पैम्पर करूंगी. मामा का पेडिक्योर हो रहा है और नेल्स हो रहे हैं, सो मुझे भी बहुत मन कर रहा है. तो आई एम जस्ट गोना गेट सम नेल पेंट डन. ये वाला सिलेक्ट किया है मामा के लिए, नंबर 73. दैट लुक्स वेरी नाइस ऑन हर शो. लेट्स सी. ओके वाओ, मुझे तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है. My husband keeps telling me time and again that I am so proud ki mujhe meri beti ke naam se jana jata. Wo I am Rohanika's father. Like I feel the same. I am Rohanika's mother. So I think we're very blessed and God is very kind. अभी मैं मामा को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हूँ पर मैं अभी अपनी ऑन स्क्रीन मामा यानी कि इशमा को कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी फर्स्ट बेबी और मैं जानती हूँ कि आपके बहुत सारे बच्चे हैं पर मैं आपको सबसे पहले विश करूँगी हैप्पी मदर्स डे इशिमा. बहुत ज़्यादा अच्छा. आई थिंक आई लव द एक्सपीरियंस. आई लव माय नेल्स. मुझे लिटरली प्यार हो गया इनसे. एंड सी उसे भी यही वाले चाहिए. सो वंस इसके एग्जाम्स खत्म है हम दोबारा ही आने वाले हैं ना. यस एंड डेफिनेटली आई एम डूइंग द सेम वन. वाओ. तो मैं अपनी फैन से कहना चाहती हूँ मेक योर मॉम फील स्पेशल टुडे. ब्रिंग हर टू नेल स्पा एक्सपीरियंस फॉर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. या आप इधर नहीं आ पाए तो आप अपनी मम्मा को जरूर स्पेशल फील करवाइएगा. आपकी तनवीर. बहुत दिनों से मेरा बेबी यहाँ पे आने के लिए मुझे बोल रहा था कि मामा ग्रोवर्स मॉल चलते हैं. और आज मदर्स डे भी है तो सोचा चलो अपने बेबी को थोड़ा पैम्पर करते हैं. तो कम लगता है मुझसे ज़्यादा कभी ने इन्जॉय किया है. तो एक मदर के लिए और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका बच्चा इन्जॉय कर रहा है. तो डेफिनेटली मेरा दिन बन गया है बिकॉज ऑफ जूम. आजकल बॉम्बे में तो स्पेशली सारे लोग वर्किंग हैं. आई डोंट नो कि लोग कितना जा पाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी सारी मदर्स के पास इतना टाइम निकल आता है कि वो अपने बेबी के साथ में थोड़ा सा इन्जॉय कर लेती हैं. लेकिन मैं मदर्स डे पे यही विश करूँगी और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कहीं भी जाइए. मतलब इन ये नहीं है कि आप किसी मॉल में जाइए या फिर कहीं अपने बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में चले जाइए, अपने बिल्डिंग के गार्डन में चले जाइए. और बिल्डिंग नहीं हो तो अपने मोहल्ले में सारे बच्चों को एक साथ लेके रिंगा रिंगा रोज़ के लिए तो वो भी बहुत मज़ा आएगा.
मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू सो मच. हाय, दिस इज विशाल सिंह और आज मदर्स डे है. एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि आज इतने साल बाद, लाइक 2-3 साल बाहर रहने के बाद, आज मदर्स डे पे मैं घर पे हूँ. ये दिन सब माओं को स्पेशल फील कराने के लिए होता है और आज मैं भी अपनी मॉम को कुछ स्पेशल करके उनको कुछ एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ. वैसे तो हर दिन मदर्स डे होता है हम सब के लिए, बिकॉज़ वो इतना प्यार करती हैं, इतनी सारी खुशियाँ देती हैं हमारे लिए, हमेशा कुछ अच्छा करती रहती हैं. सो इसलिए लोग कहते हुए कि हर जगह पर भगवान नहीं हो सकता, और इसीलिए हर जगह भगवान ने माँ बनाई ताकि वो अपने बच्चों का प्यार कर सकें और ख्याल रख सकें. सो आज मैं अपनी मॉम को कुछ स्पेशल फील कराना चाहता हूँ और आज जूम के साथ आई वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल. तो आज मैं अपनी मॉम का स्पेशल फील कराना चाहता हूँ और वो जानती है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है. सो इसलिए आई वॉन्ट टू कुक समथिंग फॉर हर, सो दैट मैं वो खुशी देख सकूँ उनके चेहरे पर कि मैंने कुक किया उनके लिए. सो चलिए आइए कोशिश करते हैं. ये जगह, ये ऐसा कोना है मेरे घर का जिससे मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हूँ. सो मुझे नहीं पता कहाँ क्या पड़ा है और समझ भी नहीं आ रहा है क्या ऐसा बनाऊँ जो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा. आइडिया, आई थिंक मुझे उनके लिए, उनको चाय बहुत पसंद है और उनको पकौड़े बहुत पसंद है, एंड आई थिंक वो थोड़ा ईजी भी है तो वो खुश भी हो जाएंगी और मैं उन्हें सरप्राइज़ भी दे सकूँगा. सो चलिए तैयारी करते हैं पकौड़ों की. आइए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ प्याज काटने से. अभी तो चलाना शुरू किया और आंखें जल रही हैं मेरी कि खाना खाते हुए 2 मिनट में कैसे पता चलता है ना कि अच्छा है बुरा है, नमक कम है ज़्यादा है. बनाते तो समझ में आता है. हम लोग जब सुबह उठते हैं, जब भी होते हैं, तो सिर्फ मुंह खोल के फरमाइश करना कितना आसान हो जाता है कि मम्मी ये बना दो वो बना दो. जैसे मैं जैसे ही बाहर से कभी भी आता हूँ तो मेरी लिस्ट तैयार होती है कि दाल चावल, राजमा चावल, आलू के परौठे. सिंस आई एम वेजिटेरियन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अब समझ में आ रहा है कि पकौड़े बनाने में इतनी मेहनत लग रही है तो वो सब करने में तो कितनी मेहनत लगती होगी. तो अब ये मसाला तैयार हो गया है, फाइनली पकौड़े बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत फैमिली मिली, और जितने भी दोस्त मुझे जानते हैं और जितने भी मेरे फैंस हैं वो भी ये जानते हैं कि मैं अपने परिवार के कितने करीब हूँ, और उसका सारा श्रेय जाता है मेरी फैमिली को, क्योंकि मॉम डैड ने हमेशा ऐसे रखा है कि हमेशा दोस्त भी रहे हैं और पेरेंट्स भी रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वी बीन वेरी वेरी क्लोज. सो वो बहुत अच्छी शुरुआत रही है मेरे बचपन की, वो पूरा वक्त बहुत अच्छा रहा है. मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको अपने आप पर कितना गर्व हो रहा है क्योंकि ये मैंने और मेरे भाई ने मिलकर जो पकौड़े बनाए हैं वो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं देखने में, और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है. होप मेरी मॉम को और पापा को अच्छे लगें. बताओ मम्मा कैसे लगे हमारे पकौड़े? बहुत अच्छे, बहुत. आपको तो पता है मेरे को तो चाय बनानी नहीं आती. मेरा बाबू सीख गया है. मैं कहना चाहूँगी मेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे. बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत ख्याल रखता है मेरा, और बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं. सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी के बारे में ये है कि वो चाय की इतनी शौकीन है, इतनी कि बचपन में कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता था कि हर बार कोई भी घर पे आता था, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, तो खुद नहीं पी सकते हैं तो किसी ना किसी के बहाने से बनवाया करती थी. तो मम्मी इतने बहाने ढूंढती थी चाय बनवाने के और चाय पीने के. सो वो हम लोग आज भी हमेशा याद करते हैं और हंसते हैं इस बात को कि वो कितनी शौकीन है. हम बातें कर रहे हैं और वो चाय पीना शुरू कर चुकी हैं. अपने परिवार में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप उन्हें प्यार नहीं करते और उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. सो प्लीज़ 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 रिस्पेक्ट योर मदर, योर डैड, लव योर फैमिली, और देखिएगा कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ कितनी आसानी से और सब कुछ कितना अच्छा मिलता है.
आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आज बहुत खास दिन है आपके लिए और आज मम्मा भी साथ में, शूटिंग चल रही है बगल में और यू नो मम्मा के लिए स्पेशल समय निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? बस माँ ये शब्द में ही कितना भार है और मम्मी है तो सब कुछ है, ये तो माँ बहुत स्पेशल होती है सबके लिए, तो मेरे लिए भी मम्मी बहुत स्पेशल है और आज मैं गोगी इसलिए बना हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरी मम्मी, ये मेरी पर्सनल बातें हैं, जब मेरी सिस्टर को एडुकेशन चाहिए था तो महेश ट्यूटोरियल में मेरी मॉम को मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर को डालना था लेकिन डाल नहीं पाए हम लोग क्योंकि इतना अरेंज नहीं हो पाया। सेकेंड जब मेरी जब दूसरी मिडिल छोटी दीदी पीयू, उसको भी डालना था महेश ट्यूटोरियल में लेकिन नहीं डाल पाए वापस, लेकिन जब मेरी बारी आई तब इन्होंने बहुत हिम्मत करके मुझे वहाँ ही एडुकेशन दिलाया और आज मैं वो एडुकेशन के मदद से मुझे 81% आए 10th में और अभी तो मेरे 12th भी आ गया है मेरे 12th की पढ़ाई भी शुरू हो जाएंगे, तो बस आप देखो 12th में भी मेरे एक 80-85 आ ही जाएगा आराम से, है कि नहीं? लाना ही पड़ेगा देखो, लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। ये आप क्या कहना चाहेंगे ना, कहते हैं जब एक माँ अपने बच्चे के नाम से पहचानी जाती है ना कि वो देखो उस समय की माँ जा रही है, तब वो कैसा मोमेंट होता है और कैसा लगता है, कितना प्राउड फील करती है? प्राउड तो बहुत 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 फील होता है, पर हर जगह मुझे ये से, मैं ड्रेसेस भी कभी देने जाती हूँ लेने जाती हूँ ना, वहाँ पे भी मेरे बिल पे गोगी की मम्मी ही लिखा जाता है, तो मैं बोलती हूँ अरे गोगी की मम्मी क्यों, देखिए उसी नाम से पहचाना जाते हैं, सब कपड़े भी आपके इतने सारे पड़े, अभी मेरी बेटी की शादी है, हर बिल पे वही नाम है, गोगी की मम्मी, गोगी की मम्मी। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो गोगी बनाया तो इन्होंने ही है ना इनके इनके एक्टिंग के वजह से। आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, जब मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी से एक्टिंग सीखा हूँ और मेरी मम्मी कैमरा के बाजू में रहती थी और जैसे वो एक्सप्रेशन करते थे वैसे मैं एक्सप्रेशन करता था, तो उनके वजह से ही मैं गोगी बना हूँ, तो गोगी की मम्मी तो बोलना। तो याद आ रहा है जब फर्स्ट सेकेंड एपिसोड था तारक मेहता का, जब उसको कुछ नहीं आ रहा था, बहुत छोटा सा था, तब कैमरा के बाजू में खड़ी रह के मैं ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो मोमेंट आज भी याद करते थे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे बोलती है मम्मी ऐसा ओवर लगता है, आज ये नहीं करना है, आज वो नहीं करना है, तो हम दोनों में मचमच होती है, नहीं समय ये अच्छा नहीं लगता है, नहीं मम्मी ये अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ हाँ काफ़ी मैं अभी गोगी बड़ा हो गया है। आपको याद आ रहा है कब ऐसा रियलाइज हुआ आपको कि ये ना इसको एक्टिंग करनी चाहिए या एक्टर है, आपको कब वो रियलाइज हुआ, कितना उम्र था, कैसे था? अराउंड 3-4 महीने का था तभी उसके नखरे शुरू हो गए थे, ये 7 महीने का था तब से उसने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग से, तब से लेकर 6 साल का हुआ तब तक वो एडवर्टाइजिंग और फिल्म कर रहा था, फिर 6 साल में तो तारक मेहता मिल गया और फिर 6 साल से लेकर आज 17 साल 10 साल हो गए तो तारक मेहता में ही है, तो अच्छा लग रहा है, तब से बचपन से ही दिखा जाता है। एक्चुअली मैं अपनी पगड़ी को बहुत लकी मानता हूँ, जब भी मैं पहनता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, अब मैं शेर हूँ जब समय बन के मैं बोलता हूँ कुछ तो सब अरे नहीं ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे वो नहीं बोला, मम्मी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब वो भी कुछ भी बोल सकता है, असरदार भी है और सरदार भी है। एक्चुअली हम लोग को पगड़ी का असर सबसे बेस्ट ये है कि जब हम फैमिली में बाहर जाते हैं तब पगड़ी पहनी हुई नहीं रहती है, तो वो बिंदास घूम सकता है, जैसे हमारे साथ पुराना टप्पू जब हमारे साथ आता है तो बहनें बहुत इरिटेट होती है, मम्मी भव्य को साथ में मत लो, उसके फोटोज़ में हम लोग को बोर होता है, भाई को कितना अच्छा है पगड़ी नहीं पहना तो बिंदास घूम सकता है, पर अभी तो पब्लिक वो भी पहचान लेती है क्योंकि 10 साल हो गया है, तो
अच्छा लगता है गोगी को देखकर, सब पब्लिक बोलते हैं, प्यार करते हैं, ये पब्लिक ही है तो उसकी वजह से गोगी है। और क्या है ना, मेरी बहन को कोई पहचानता नहीं। ये कहता है एक ही सीरियल में ना बचपन से लेकर बड़े हो गए, हालांकि ये बच्चे ही बने, बड़े हो गए हैं, तो वो फीलिंग, वो जर्नी कितनी यादगार है, मतलब हमेशा के लिए हो गई वो आपके लिए? बहुत यादगार एक्चुअली। मैं 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे और कुश गोली के साथ। हम दोनों गार्डन में बैठे थे, हमारा गार्डन में सीन था। तो जब हम लोग आए थे तारक मेहता में, तो मुझे याद है एक वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट था, वो कम से कम इतना था, इतना। आज वही प्लांट इतना बड़ा हो गया है, 10 साल बाद, 1 decade हो गया है इसके लिए। हम लोग वो झाड़ को देखते ना, वाओ अमेजिंग, इतना टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, जैसे बचपन से मेरा बचपन रिकॉर्ड हुआ है, बचपन से हम लोग शूट से आते थे तो हमेशा इसका रोना होता था कि मम्मी सब बच्चे खेल रहे हैं, मुझे खेलने नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत मिस कर रहा था। और हम लोग भी घर पे जाके इसको थोड़ा सा मूड लेस देख के हमको भी ऐसा हो रहा था। बाद में जब वो पुराना एपिसोड अब देख रहा है ना, तो हम लोग बोलते समय ये देख, ये पुराना देख, वही। और मैं वही चाहता हूँ कि मेरा जो बचपन रिकॉर्ड हो गया है ना, उसको कंटिन्यू रखूँ मैं आगे भी, मैं ये उससे भी बेटर बेटर रोज रोज कुछ नया नया करते रहूं, ताकि वो रिकॉर्ड होते रहें। आप बहुत लकी हैं, नो बचपन से मम्मा साथ, कभी भी साथ नहीं रहती हैं, हमेशा शूट पे भी साथ में कहीं आना, क्या कहना चाहेंगे? और अब इन फ्यूचर आप दोनों का क्या प्लान है? बचपन से साथ में है तो इन फ्यूचर में भी साथ में ही रहेंगे, ऑब्वियस बात है। और एक ही है लाइफ, मतलब और एक ही बेटा है तो साथ में ही रहना है पूरी जिंदगी, एक्टिंग हो या रियल लाइफ हो या कहीं भी हो, दो रोटी इनकी ही खानी है। और फ्यूचर में मैं तो, मेरा फ्यूचर का प्लान तो आप बोलोगे एज अ गोगी, तो मैं तो यही बोलूँगा तारक मेहता कभी बंद ही नहीं होना चाहिए, 10-15-20 साल 50 साल ऐसे ही चलते रहना चाहिए। बस मेरा तो वही प्लान है फिलहाल तक तो, लेकिन आई विल डू BMM। मैं समय तो BMM करने वाला है 12th के बाद, और BMM में मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा और लोगों को एंटरटेन करूंगा। अपने फैंस से और अपने उन सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे मम्मा आपके साथ हैं, उनको भी एक स्पेशल ट्रीट दें, एक स्पेशल मौका है आपको एहसास दिलाएं कि आज मदर्स डे, हालांकि हर रोज़ मदर्स डे होता है। एक्चुअली आई थिंक मदर्स डे हमें भूलना नहीं चाहिए। एक्चुअली मदर्स डे ऐसा नहीं है कि आज मदर्स डे है तो आज हम मॉम को ज़्यादा प्यार देंगे। मदर्स डे हर साल, हर वक्त, हर टाइम होना चाहिए, हर सुबह मदर्स डे के साथ, मदर्स के साथ ही होना चाहिए। और आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देम, और आजकल के मेरे जैसे लोग शुड टॉक रूडली, थोड़ा रूडली बात करते हैं, क्योंकि जनरेशन थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं जनरेशन में। तो आई थिंक कि हमें वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, वेरी समझना चाहिए हम लोगों को एक दूसरे को, और मम्मी को मम्मी की तरह नहीं, फ्रेंड की तरह समझो। तो ज़्यादा सिर पे चढ़ ज़्यादा मम्मी को फ्रेंड की तरह समझो, और उनको अप्रिशिएट करो, उनको रिस्पेक्ट करो, जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड को करते। आप सभी को गोगी और समय शाह की तरफ से हैप्पी मदर्स डे, लव यू। यार मदर्स डे स्पेशल बिकॉज मेरी ज़िंदगी वाकई में शुरू और ख़त्म इस पे ही होती है, और जेडन मेक्स इट स्पेशल फॉर मी। हर दिन एक मोटिवेशन है मेरे लिए, हर दिन एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। सो मदर्स डे इज़, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एंड इट्स एवरी डे इज़ अ मदर्स डे फॉर मी, बिकॉज मैं खुद इसके साथ सेलिब्रेट करती रहती हूँ। आई मेक श्योर कि मेरा पूरा दिन, मतलब सब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम हम महीनों के बाद मिलती है, आई जस्ट डोंट फील लाइक स्टेपिंग लाइक माय मम्मी। ओह थैंक यू। माँ की परवरिश ही होती है, जो मैं इसको इनकलकेट करा सकती हूँ इसके अंदर, आई थिंक बाकी बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक द गर्ल्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। तो मैंने अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, आई थिंक एवरी डे आई रियलाइज अ न्यू पावर दैट आई हैव विद इन मी,
एंड नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द रूटीन. तो मुझे अगर जाना होता है तो ये भी अकोमोडेट हो जाता है कि अच्छा आज मम्मी पूरे दिन नहीं मिलेगी. और जब पूरे दिन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरे टाइम साथ में ही थे. तो वी कीप एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम. एंड वीमेन इज अ पावर दैट यू डोंट वॉन्ट टू फिडल विद, ट्रस्ट मी. यार मदर की पावर ना, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स. शी इज़ माई स्ट्रेंथ, शी इज़ माई गाइडिंग लाइट. आज भी मैं डांट खाती हूँ और हक से खाती हूँ, और आज भी मेरी गाइडिंग लाइट, मेरी पावर मम्मा हैं और मुझे सही रास्ते पर करेक्ट डायरेक्शन दिखाती हैं हर वक्त. एंड मदर्स डे अकेला एक पॉसिबल नहीं है इतना थैंक्स बोलने के लिए, बट मम्मा थैंक यू, आई लव यू. मम्मा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, आई थिंक जब से होश संभाला है, जब से यू नो समझा है अपने आप को, मम्मा हैज़ ऑलवेज बिन देयर. हम मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में. आई थिंक लाइक आई सेड थैंक यू इज़ अ स्मॉल वर्ड, बट इन्होंने आज तक जो मेरा हाथ संभाला है और जो मुझे यू नो स्ट्रेंथ से पकड़ा हुआ है, आई थिंक नथिंग कैन अफेक्ट दैट. एंड आई थिंक यू शुड सीक स्ट्रेंथ फ्रॉम योर पेरेंट्स. एंड आई थिंक जिनकी परवरिश अच्छी है वो फिगर आउट कर ही लेते हैं. So all the power to all the women on the Mother's Day. Delhi Talk ke sare viewers ko Daljeet Kaur aur meri bahut hi pretty, bahut hi awesome si mummy ki taraf se happy 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 Mother's Day. Happy Mother's Day, mama. Hi all, this is Shweta Sinha and I would like to wish all the viewers of Zoom TV a very very happy Mother's Day. And I would like to introduce my mom who is there with me. And this is three generations together. These are my kids. Say hi to all. Hi. She is Bhumika. He is Rudraksh. Hi. See there. Say hi. Hello. And the special thing about today is that we have got something very special for my mom, which we are just going to disclose to you all. I'm so lucky and I'm so happy that my mom loved it. This is a special custom-made bouquet from Trillion Roses, which we had pre-planned before and to give a special surprise to my mom. And yeah, my mom is very happy and so are my kids. They are a bit naughty, so they are laughing. मैं बहुत भाग्यवान माता हूँ. मुझे श्वेता और अमृता जैसी बेटियाँ हैं. All mothers love their children very, very much, maybe more than themselves. But not all children love their mothers. So मुझे ये कहना है कि माँ की जो अहमियत है वो समझिए और लाइफ में माँ बाप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो. और उन्हें जितना प्यार उन्होंने आपको बचपन से दिया है उसका आप रिटर्न ज़रूर कीजिए. बचपन से ही गर्मियों के छुट्टियों में ये सब भाई बहन इकट्ठा होते थे और सब इकट्ठा होकर ये लीडरशिप करती थी सबकी. सबको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करने बोलती थी और स्पेशली उसको भूत वाले ड्रामास करना बहुत पसंद आता था. फेस को पाउडर लगाना, हॉरिबल मेकअप करना और लैंटर्न लेके चल रही है, लाइट बंद कर दिए जाते हैं, इस तरह से छोटे बच्चे तो घबरा जाते थे. इनका ड्रामा जो रिकॉर्ड होता था वीडियो में और वो जो देखते थे बाद में, तो आज भी वो रिकॉर्डिंग्स है इनके चाचा के पास, सब सेव करके रखे हैं. पहले मैं मम्मा को बहुत टॉन्ट करती थी कि यू नेवर गेव मी टाइम, यू डोंट केयर फॉर मी. बट देन आफ्टर सम टाइम्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट शी इज़ अलोन वर्किंग एंड शी हैव टू डू एवरीथिंग. सो राइट नाउ आई शुड बी थैंकफुल फॉर हर दैट शी हैव पुट इन मी इन सच अ गुड स्कूल वेन आई एम लर्निंग. लाइक I never I learned things which I never expected to learn or see. So I'm really thankful that she's paying so much for me. मैं मॉम को ये कहना चाहती हूँ कि नॉट ओनली माई मॉम बट जो भी बच्चा बनता है बड़ा होके उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माँ बाप को जाता है. एंड वट एवर आई एम टूडे, माई प्रिंसिपल्स, माई टीचिंग्स और मैं जैसी हूँ, मेरी सोच,
जो भी है वो मेरी मॉम की वजह से है। भले मुझे डांटती थी बचपन में, मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरी ज़्यादा पटती नहीं थी मम्मी के साथ, बट नाउ शी इज़ माई आइडल एंड आई प्रे हर नेक्स्ट टू गॉड, आफ्टर गॉड आई प्रे हर एंड आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ ग्रेट मॉम एंड आई लव हर अ लॉट। हम सब की तरफ से जूम के सभी ऑडियंसेस को हैप्पी मदर्स डे।